हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर एंजॉयिंग एट होम. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल. नेचर प्रोवाइड अस मोस्ट ऑफ यूजफुल थिंग्स. टुडे वी विल रीड लेसन 2 ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मैजिक इन द पार्क. This is the story of a girl who play with nature and get a painful result. So let's start our chapter. Lisa loves flower. इस chapter के अंदर main character Lisa है. Lisa को फूल बहुत पसंद है. She loves red flowers. उसको red color के flowers पसंद है. She loves yellow flowers. उसको yellow color के flowers पसंद है. She loves blue and pink flowers. उसे blue और pink color के flowers पसंद है. She also loves orange and purple flowers. और उसे orange और purple color के flowers भी पसंद है. Lisa को जिस color के flowers पसंद थे, उस word को उसी color से highlight किया हुआ है. Lisa walks to the park near her house. लीजा के घर के पास ही एक पार्क था. उस पार्क के अंदर लीजा घूम रही थी. लुक एट द पिक्चर. व्हाट डज द साइन बोर्ड इन द पार्क सेज. इस पिक्चर को देखो और इसके अंदर जो साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड होता है एक सूचना पट, यानी कि जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है. तो इस पार्क के अंदर ये एक साइन बोर्ड है और इस पर क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा हुआ है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, की फूल नहीं तोड़ने या नहीं तोड़ने चाहिए. हाउ एवर लीजा लव्स टू प्लक फ्लावर्स. साइन बोर्ड पर ये इंफॉर्मेशन लिखने के बाद भी लीजा फूल तोड़ती थी. शी पुट्स देम इन अ वेस इन हर रूम. और उसके रूम में एक वेस यानी कि फूलदान रखा था, जिसके अंदर वो उन फूलों को डालकर सजा देती थी. शी प्लक्स फ्लावर वेयर एवर शी सीज देम. और पार्क में जहाँ भी उसे फ्लावर दिखते या जहाँ भी उसे कहीं फ्लावर्स दिखते, वो उनको तोड़ लेती थी. वन डे लीजा गोज टू द पार्क विद अ बास्केट. एक दिन लीजा पार्क में अपनी एक टोकरी के साथ गई, यानी कि वो टोकरी उस पर्पज से लेके गई थी ताकि वो उसके अंदर फ्लावर्स ला सके. शी इज गोइंग टू प्लक सम फ्लावर्स. वो कुछ फूल तोड़ने जा रही थी. शी स्टॉप्स. वह रुक गई. क्यों? लुक एट द फ्लावर इन द पार्क. पार्क में जो भी फ्लावर्स हैं उनको देखो. व्हाट हैज हैपन्ड? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? A fairy is touching all the flowers. एक फेरी, फेरी means परी. एक परी सभी flowers को touch कर रही थी. All the flowers have turned brown. और जो भी flowers उस park के अंदर थे, वो सारे brown color में change हो रहे थे. The trees and leaves have turned brown as well. और उनके साथ साथ ही पूरा पेड़ और पेड़ के साथ साथ उनके पत्ते भी ब्राउन कलर में चेंज हो गए थे. ओ डियर द होल पार्क इज ब्राउन. अरे ये तो पूरा पार्क ही ब्राउन हो गया है. लीजा इज वेरी सैड एंड फील स्केयर्ड. अब लीजा बहुत ज़्यादा उदास और डरा हुआ महसूस करने लगी. शी डज नॉट नो वट हैज हैपन्ड. उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है. She starts crying. उसने वहीं पर रोना शुरू कर दिया. Suddenly she hears a voice. अचानक उसे एक आवाज़ सुनी. वो आवाज़ किसकी थी? फेरी की. फेरी, why are you crying little girl? उस परी ने उससे कहा कि छोटी बच्ची तुम रो क्यों रही हो? Lisa looks up. लीजा ने ऊपर उठकर देखा. She sees a little fairy. उसने देखा कि वो एक छोटी सी परी थी. द फेरी इज सैड. और जो परी थी वो भी बहुत ज़्यादा उदास थी.
अब लीजा क्या कहती है, आई डोंट लाइक दिस ब्राउन पार्क, कि मुझे ये ब्राउन कलर का पार्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक, मुझे अपने जो रंग बिरंगे फूल हैं वही वापस चाहिए। फेरी क्या कहती है, द फ्लावर्स हैव बिकम ब्राउन सो दैट यू डोंट प्लक देम, कि अब ये जो फूल हैं ये ब्राउन कलर के हो गए हैं इसलिए अब तुम उन्हें नहीं तोड़ सकती। लीजा, आई प्लक देम बिकॉज आई लाइक देम, मैं तोड़ती हूँ उन्हें इसलिए क्योंकि मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। फेरी, दे विल लाइव टू लॉन्गर इफ़ यू डोंट प्लक देम, अदर पीपल लाइक टू सी देम टू। फेरी ने उनसे कहा कि यदि तुम नहीं तोड़ोगी उन्हें तो वो बहुत टाइम तक जिंदा रह सकते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो भी उन फूलों को देख पाएंगे। बट लीजा सेड, आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक डियर फेरी प्लीज। लीजा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हे परी, मुझे मेरे रंग बिरंगे फूल वापस चाहिए। फेरी फेरी ने क्या कहा, विल यू प्रोमिस नेवर टू प्लक फ्लावर अगेन, क्या तुम प्रोमिस करती हो, प्रोमिस मीन्स वादा, क्या तुम वादा करती हो कि तुम दोबारा फूल नहीं तोड़ोगी। लीजा, आई प्रोमिस आई प्रोमिस, लीजा कहती है मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद फूल नहीं तोड़ूंगी। फेरी, ऑल राइट देन द फ्लावर्स विल बी बैक सून, फेरी ने कहा ठीक है अब जो फ्लावर्स हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, वैसे ही कलरफुल हो जाएंगे जैसे वे पहले थे। मदर, अब मदर क्या कहती है, लीजा वेक अप इट्स मॉर्निंग लेट्स गो टू द पार्क। अब लीजा की मदर कहती है, लीजा उठो सुबह हो गई है, तुम्हें तो पार्क में जाना है, उठो पार्क में जाओ। देयर आर सो मैनी प्रिटी फ्लावर्स इन द पार्क, क्योंकि पार्क में बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर फूल आ गए हैं। लीजा स्टिल लव फ्लावर बट नाउ शी डजंट प्लक देम, लीजा को अभी भी फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन वह उन्हें नहीं तोड़ सकती। शी लुक्स एट देम एंड फील्स हैप्पी, वो केवल उनकी तरफ देखती है और बहुत ज़्यादा खुश महसूस करती है। शी वॉन्ट्स देम टू लिव एंड ग्रो, वो उन्हें बहुत लंबे समय तक उगने देना चाहती है। शी रिमेम्बर्स हर प्रोमिस टू द फेरी, उसे अपना परी को दिया हुआ वादा वचन याद है। तो बेटा इसी तरह आपको भी प्रकृति की किसी भी चीज़ के साथ किसी तरह का कोई भी खेल नहीं खेलना चाहिए। थैंक यू।